नमस्कार, मैं इस वेले खड़ा हाँ पठानकोट के सिविल अस्पताल में। तुम तस्वीरें देख रहे हो कि यह कमरे जड़े है वह पठानकोट विकास मंच वालों 80 लाख की लागत नाल जिहड़े तैयार कराए गए, फुली एसी कमरे है और हर तरह की सुविधा इस कमर जी मिलेगी। अज इस कमर इन्होंने कमर का जो उद्घाटन जो है कैबिनेट मंत्री लालचंद कटौचक वालों जो किया गया और पठानकोट विकास मंच का जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। आप तुम्हें होर कमरे दिखाने कि लोगों को कि फैसिलिटी जी इतनी मिलन जा रही है। यह जगह जिस जगह के उपर जी है लाइब्रेरी बनाई जाएगी और कैबिनेट मंत्री लालचंद कटौचक वालों इस लाइब्रेरी बनाने वास्ते जोड़ा है 5 लाख रुपए का जो ऐलान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे परसनल फंड के जो है मैं तुम्हें जो 5 लाख रुपया दे जा रहा। तुम कमरे देख सकते हो, अंदर की तुम्हें तस्वीर दिखाने कि ये कमरे जोड़े वधिया बैड इतने लगे हुए हैं और ए सी लगे हुआ है और हर तरह की सुविधा जी है इतने मुहैया कराई है। अटैच बाथरूम जोड़े है तुम्हें दस दिए कि पठानकोट विकास मंच वालों जोड़ा है 80 लाख की लागत नाल जोड़े कमरे बनाए गए हैं। अज जोड़ा इस कमर का उद्घाटन जोड़ा कैबिनेट मंत्री लालचंद कटौचक वालों किया गया और उन्होंने ये पठानकोट विकास मंच के चेयरमैन नरेंद्र काला तो उन्होंने साथियों का जोड़े इस प्रयास की जी सराहना की है। ये पठानकोट वासियों वास्ते बहुत ही वड्डी राह की खबर है कि लोगों को जी जी सरकारी अस्पताल के प्राइवेट हस्पतालों वर्गी जी सुविधा मिलन जा रही है। लक्की सरोच KRT न्यूज़ पठानकोट। करो भाई देखो, पहली गल तो बहुत ही अज मैं समझा भागा भरा दिन और समुचे पठानकोट जिले लिए बड़ी गर्व वाली गल है कि पठानकोट विकास मंच जिन्हां दे तमाम साथियों ने अपने परसनल जतना सदका एक बहुत बड़ा मैं कह सकता ऐसा काम किया है जिस काम ने साडा सारे पठानकोट के लोगों का सिर ऊंचा किया। अज इत 80 लाख रुपए की लागत के नाल ट्रोमा सेंटर जिहड़ा बनया लगभग 15 कमरे और जिहदे विच हर तरह की फैसिलिटी है, टोटल एसी कमरे है, टोटल उन्होंने जिहड़े मैडिकल जिहड़ी आउटलुक दे विच जो कुछ चाहिए सानू मतलब सो मैं समझदा भी 80 लाख रुपए की लागत नाल ये जिहड़े 15 कमरे बनाए आ पठानकोट विकास मंच ने समुचे पंजाब के लोगों लई ये एक बहुत वड्डा सुनेहा भी पठानकोट की धरती तो एक ऐसी जथेबंदी काम कर रही है जिन्हें मतलब बहुत वड्डा जो उद्यम किया और मैं इतने आ के मैं भी खुशी महसूस करदा कि अज इस ट्रोमा सेंटर का उद्घाटन किया और मैं जो इस हॉस्पिटल आया जितने तो बाद पहली बार आ रहा और बहुत माण सत्कार प्यार भी इतों मिले मैडम सिविल सर्जन ने नाले इतों के SMO ने बाकी सारी टीम वालों और मैं दिल की गहराइया तो सब का धन्यवाद करता तो अपने वालों जिहड़ी इन्हां ने इत्थे लाइब्रेरी बनाउण दा जिहड़ा मतलब कीता फैसला सो मैं अपने वालों मैं अपने अख्तियारी फंड दे विच्चों 5 लाख रुपया इन्हां नूं लाइब्रेरी जिहड़ा आ मैं ऐलान करदा जिहड़ा मैं इन्हां नूं थोड़े दिनों तो बाद जिहड़ा सपोर्ट करांगा। जो आम आदमी पार्टी का वैसे ही एक कंटेंट है हैल्थ एजुकेशन ये दो गल्लां दे उत्ते मेजर जिहड़ा साडा आम आदमी पार्टी का फोकस हैगा। सो 15 अगस्त नूं आज़ादी के 75वें आज़ादी दिवस के उत्ते पूरे पंजाब के अंदर वक् वक् विधानसभा हल्कों के मोहल्ला क्लीनिक के नाँ के उत्ते जो पिंड क्लीनिक खुलने लिए जा रहे हैं। सो दो क्लीनिक पठानकोट भोआ और सुजानपुर के अंदर जोड़े आ उन्हां दा इत्थे जिहड़ा होएगा। सो असी चाहुंदे आ वी पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों स्वस्थ वातावरण मिले और लोगों हैल्थ मिले जिहड़ा साडा फंडामेंटल राइट हैगा आ
साढ़े कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एजुकेशन तो हैल्थ जोड़ा आ तो एक बुनियादी अधिकारों के शामिल किया गया, परंतु 70 साल की आजादी तो बाद भी लोगों ना तो इलाज पूरा मिलया ना एजुकेशन प्रॉपर मिली है। सो मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई के पंजाब के अंदर 15 अगस्त तो जोड़ा मोहल्ला क्लीनिक खोलन का सिलसिला शुरू हो रहा। सो असी जी कमिटमेंट की पंजाब के लोगों के नाल मतलब हैल्थ इंश्योरेंस की वो असी इस थोड़े समय तो शुरुआत कर दी है। सो अज खास करके पठानकोट का जोड़ा हॉस्पिटल है ये उत्ते वैसे ही बहुत बड़ा भार है, हिमाचल भी बहुत बड़ी तादाद इतने आते हैं लोग J&K के भी आते हैं और साड़ी टीम भी सारी इतने बहुत खूबसूरत काम कर रही है। ये होर चंगा काम करन असी सरकार वालों 24 घंटे इन्हों की पिट्ठ खड़े हाँ, जिथे कि भी इन्हों साड़ी लोड़ महसूस होवे असी पूरी तरह मुस्तैद हाँ। मैं फिर दोबारा पठानकोट विकास मंच का एक जिहड़ा अज इन्हां ने बहुत वड्डा उद्यम किया उहदी दिल दी गहराइयां तो सलाघा करदा इस उद्यम नूं पंजाब दे लोक भी जिहड़े आ अडाप्ट करनगे। सो तुहाडा सब दा धन्नवाद।